हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स में। आज हम लोग हैं विश्राम घाट के ऊपर, तो आज उसी विश्राम घाट के बारे में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना के तट पर 25 घाट हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घाट है विश्राम घाट। मथुरा में होने वाली ब्रजमंडल परिक्रमा के धार्मिक स्थलों की परिक्रमा का आरंभ विश्राम घाट से ही शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म होता है। विश्राम घाट के उत्तर और दक्षिण की ओर बाहरा घाट जो हैं स्थित हैं। विश्राम घाट के आसपास मथुरा में कई मुख्य व प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं, जैसे कि मुकुट मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, नरसिंह मंदिर आदि। विश्राम घाट कई महान संतों का तपस्या व विश्राम स्थल रहा है। महान संत महाप्रभु वल्लभ चैतन्य की बैठक भी इसी घाट के पास हुआ करती थी। यहाँ घाट के तट पर हर शाम होने वाली आरती का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। अब जानते हैं कि विश्राम घाट का कुछ इतिहास के बारे में। तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुए आक्रमणों के कारण यह घाट काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन दो वैष्णव संत केशव व कश्मीरी और वल्लभाचार्य ने इस घाट का पुनर्निर्माण किया। इसके बाद मुगल शासक अकबर के सुशासन में कई मंदिरों की मरम्मत और उन्हें अलंकृत कराया गया। कहा जाता है कि अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने इसी घाट पर विश्राम किया था, इसीलिए इसे विश्राम घाट कहा जाता है। यमुना नदी के किनारे पर होने के कारण यहाँ पे बोटिंग का आनंद भी आप ले सकते हैं। भगवान कृष्ण की आरती व पूजा भक्त ज़्यादातर इसी स्थान पर करते हैं। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी विश्राम घाट के बारे में। तो विश्राम घाट पे शाम का जो नज़ारा होता है वो बड़ा ही अद्भुत होता है। यहाँ पे फूलों और दियों का विसर्जन जो है वो नदी के तट पर किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फूल और फूल और बत्ती से सजीवी थाली जो है वो यहाँ पर मिलती है, जिसमें दिया जलाकर नदी में जो है उसे छोड़ा जाता है और अपनी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होने के लिए यमुना मैया से जो है वो प्रार्थना की जाती है। हरि ही ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमो अग्र ब्रह्मणे द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बारागल्पे वैवस्तक मन मंत्रे अष्टाविन सत्मे जुगे कल जुगे गल्पधम चरणे जाम्बूदीपे वरदखंडे वरदवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्त देशे मथुरा मंडले आदवारा मुक्तेश्वर क्षेत्रे बहुधावतारे विक्रम सके केशवादी शकलदेवता सन्निधाने श्री सूर्य उस मासे आज वही दसवीं नाम तथा अपना अपना नाम अपने माता पिता का नाम लिया, गोत्र का उच्चारण करना, मुकुल ही कम नाम लिया, हमारे जन्म के अगले जन्म के सब दोषों को अपराधों को क्षमा करना, यम दंड से मुक्ति है यमुना जी की भेंट में। ये हमारा ब्राह्मण भोजन दक्षिणा गोदान का संकल्प है, एक गौ के हम लोग को भोजन कराओ, उसका दोष है एक रुपया लगे, कोई एक करे कोई दो करे कोई पाँच करे, सत्य हो करना नहीं हो किसी का जबरदस्ती नहीं है। बोलो मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता पूर्वजों के नाम गोत्र से यमुना जी की भेंट में आपका शुभ नाम बाबू जी, आपका नाम भूपेंद्र जी, आपका भी भूपेंद्र भैया सोनी ओझा जी, बच्चों का नाम बोले यमुना जी की भेंट में सब परिवार मिलकर कितना ब्राह्मण करोगे, यमुना जी का जो बोलना है, श्रद्धा हो करना नहीं हो किसी का, हमारा कर्जा नहीं है टैक्स नहीं है,
किसी में अन्नदान गौदान वस्त्रदान सोलह दान का संकल्प है, एक की जगह यहाँ पूजन का है, दूसरे के मन में बोल के छोड़ दो। हाथ जोड़िए पहले यमुना जी का, मुझसे बोलिए अष्टपदे अष्टपदे नमरात का हूँ, जनकदम प्रसादा यमुना जी का स्नान पान दर्शन यात्रा यात्रा पूजन पूजन परिपूर्ण 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 फल मस्तु ताली बजाओ और जोर से हंसो, कहते मथुरा में आके हंसा ही बोला कृष्ण का नैया। यमुना जी ऐसी हंसी खुशी बुलावे और खूब मंगल करे मेरे भैया, खूब पढ़ाई पढ़े और खूब अच्छी अच्छी जॉब लगे इनकी। वो ऐसे नहीं बहन बुझ जाएगी।